हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आज मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग सोशियोलॉजी की हार्लोम्बस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि वो सीरीज स्टार्ट की जाए हमारे चैनल पे। तो वहाँ पे काफी स्टूडेंट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग कि यस, वो सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। तो हार्लोम्बस जो बुक है, दैट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताई जाती है कि हम सब जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट होते हैं, उन सब के लिए दैट बुक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लस यूजीसी नेट में भी बोला जाता है, बट इतनी बल्की बुक है, इतना सिलेबस है, तो यूजीसी नेट के लिए तो वी हैव वेरियस अदर ऑप्शन। प्लस सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी स्टूडेंट जनरली क्यों नहीं वो बुक कई बार पढ़ते हैं, रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है जिसने वो बुक नहीं पढ़ी उसने एग्जाम नहीं लिखा होगा या अच्छे नंबर नहीं लाए होंगे, नो डाउट लिखा होगा। बट क्या रहता है कि वो बुक बहुत बल्की बुक लगती है, प्लस पढ़ने में हो सकता है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। दैट्स वाई पीपल टेंड टू लीव दैट बुक। रिट्जर से वो लोग थिंकर पढ़ लेते हैं, बेसिक एनसीईआरटी कवर कर ली, प्लस जो भी कोचिंग उन्होंने ज्वाइन की होती है वो कोचिंग के नोट्स वो लोग रेफर कर लेते हैं, तो वहां से एक डिटेल्ड कवरेज हो जाती है। बट कोचिंग के नोट्स, अगेन आई एम सेइंग, आप लोगों को भी पता है जिन्होंने तैयारी की है, कि कोचिंग के नोट्स भी शॉर्ट नहीं होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी डिटेल्ड नोट्स। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग कि मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में आप लोगों की हेल्प करूं। स्टैंडर्ड बुक के रिगार्डिंग एक पर्सनल कोर्स भी मैंने स्टार्ट करा है, दैट इज फॉर द डिफरेंट बुक, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, वो सब अलग कोर्स स्टार्ट करा है मैंने एक। बट यहाँ पे यूट्यूब पे आई एम मेकिंग इट ऑल फ्री लेक्चर सोशियोलॉजी हार्लोम्बस बुक के। आप लोग सब पूछ रहे हैं क्या कोर्स है, कैसे ज्वाइन करना है, कुछ ज्वाइनिंग नहीं है इस कोर्स की। आई एम मेकिंग द वीडियोज यूट्यूब पे मैं पब्लिक करूंगी, सारी वीडियोज फ्री रहेंगी, Everyone can access that video. हर कोई उस वीडियो को प्ले करके आराम से देख सकता है। बुक मेरे पास अवेलेबल रहेगी, आई विल रीड ईच एंड एवरी वर्ड और उसका डिटेल, मतलब एग्जाम्पल लिंक करके अलग अलग तरीके से मैं आपको वो समझाऊंगी, ठीक है। प्रॉब्लम यही रहती है, खुद पढ़ के समझना, लिंक इस्टेब्लिश करना नहीं हो पाता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आई विल बी देयर टू हेल्प यू इन दैट, उस चीज के रिगार्डिंग आई विल बी हेल्पिंग यू। तो आई होप वो चीज़ फ्रूटफुल रहेगी, एक फ्रूटफुल जर्नी रहेगी, हम लोग साथ में ये पूरी बुक कंप्लीट कर पाएंगे। आई वॉन्ट कि हम इसको पूरा कंप्लीट करें, उसके लिए आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड कि आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस जर्नी में मेरे साथ रहे। तो इनकेस यू आर विद इन विद मी इन दिस जर्नी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कब अपना एग्जाम प्लान कर रहे हैं, आप कब मतलब आपका जो यूपीएससी है मेंस लिखने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेंस लिखना मतलब प्रीलिम्स तो हमें निकालना ही है, कीप दैट कॉन्फिडेंस, तो हमें उसकी तैयारी करके चलनी है इन एडवांस। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इन विच ईयर यू गाइज आर प्लानिंग टू गिव द एग्जामिनेशन। प्लस दिस इज नॉट हैपन इन द यूट्यूब हिस्ट्री कि किसी ने पूरी हार्लोम्बस बुक कवर कराई है। तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट करने का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इस एक हिस्ट्री क्रिएट करने में, इस जर्नी में मेरा साथ दे सकते हैं। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी देयर इन दिस जर्नी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग डे। लिख के नहीं समझाऊंगी, बोल के नहीं समझाऊंगी, प्रॉपर इसी तरीके से कैमरा ऑन रहेगा, बुक रहेगी। आप लोग भी अपने पास बुक ओपन रखिए, पीडीएफ ओपन रखिए, सब कुछ इसी तरीके से ओपन रखिए। जरूरी नहीं है कि बुक कॉस्टली लग रही है तो बुक खरीदो, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो खरीद लो यार, बुक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, चीजें तो काफी कवर होंगी इसमें, ठीक है। तो बुक भी खरीद सकते हैं हम लोग, पीडीएफ ले लीजिए जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा मैनेज करके चलेंगे एंड वी विल कवर दिस होल बुक। आई होप ये जर्नी स्टार्ट टू एंड अच्छी रहे, एक दो दिन में प्रॉपर प्लान करके हम इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल कवर दिस। छोटे छोटे पार्ट में रखेंगे, बड़ी वीडियोस नहीं रखेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक इसको करते हुए चलेंगे, एक एक वर्ड की क्लैरिटी। तो स्टडी हार्लोम्बस विद मी सेशन जो है ये दो तीन दिन में चैनल पे स्टार्ट होने वाला है, एंड ऑन द डेली बेसिस यू विल गेट द वीडियो रिगार्डिंग दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू एवरीवन।